हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन स्टडी आज की इस वीडियो में मैं इनक्वालिटी बेसिक्स के ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ ये क्वेश्चंस मेरी पिछली वीडियोस जो थी उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ऑल्सो जो लास्ट वीडियो थी मेरी इनक्वालिटी लेक्चर टू नाम था उसका उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे एंड में सबसे पहले मैं उसका आंसर जल्दी से बता दूंगी और फिर हम आज की वीडियो के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था जो मैंने पूछा था आपसे इसको अप्रोच करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था जो कि है सबसे पहले कन्क्लूजनस देखेंगे पहला कंक्लूजन जो है वो है सी ग्रेटर देन एस इसको अप्रोच करने के लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको मैंने उसका जो हाईलाइटेड पार्ट है ना पे हमें फोकस करना है वो मैंने लिख लिया है साइड पे अलग से एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप देख के ही बता सकोगे अगर आप इन वीडियोस को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये छोटी छोटी बातें तो हम देखते हैं जैसे ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन को कम्बाइन करके हमें ग्रेटर दैन का ही साइन मिलता है तो हमारा तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा फिर हमें देखना है पी और सी का जो रिलेशन है वो पी और सी के रिलेशन के लिए हमें थोड़ी सी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में इसको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं ज़्यादा ईजीर और क्विकली करने के लिए कि जो हमारी ये स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि सी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू आर इसमें हमें पी को भी कम्बाइन करना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको कंबाइन करके लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जो सी और पी का रिलेशन है ना वो कैन नॉट बी डिटर्माइंड हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस है अगर हम कंबाइन करके लिख भी लेंगे उसमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा तो इसीलिए हमें इसको देख के ही समझ जाना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस की वजह से ये कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा तो जो सही आंसर था वो ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू ये ई ऑप्शन जो था हमारा ये सही था और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी ने ही इसका सही आंसर दिया था तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे दो कंक्लूजन्स ही आपको दें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवाए थे आज मैं आपके साथ थ्री एंड फोर कंक्लूजन्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन जो की हैं कंक्लूजन्स गिवन है और हमारे पास कुछ दो या तीन जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स है ज़रूरी नहीं है एक अप्रोच जो क्वेश्चन में अभी तक हम कर रहे थे कि कंक्लूजन पहले देखो और फिर सोल्यूशन वो हर क्वेश्चन में चले तो इस क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन्स में बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है टी और बी का कॉम्बिनेशन है एस और ए सी और एस तो इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है एट अ टाइम किसी टाइम पे तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा इसके लिए टाइम सेविंग के लिए बेस्ट तरीका है कि हम पहले ही तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिख लें जैसे मैंने यहाँ पर किया है अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ लिखा है उसके बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट कंबाइन करनी थी लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि एस ओ टी का इसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था इसीलिए मैंने पहले क्या किया स्टेटमेंट नंबर जो थ्री है उसको कंबाइन किया हमने इसको रिवर्स करके लिख लिया t इज लेस देन a करके लिख लिया इसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया अपनी स्टेटमेंट के साथ और फिर उसके बाद t के थ्रू जो है हमने सेकेंड स्टेटमेंट थी जो s ग्रेटर दैन इक्वल टू टी उसको कंबाइन कर दिया तो ये हमें एक सिंगल स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल गई अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना है पहले देखना कंक्लूजन नंबर वन टी इज़ लेस देन बी यहाँ से हम बता सकते हैं ना कि दैन और लेस दैन इक्वल टू का जो कॉम्बिनेशन है वो लेस दैन ही मिलता है तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा सेकेंड कंक्लूजन में हमें एस और ए का रिलेशन बताना है जो कि नहीं बता सकते इसीलिए सेकेंड कंक्लूजन जो है हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइंस जो है एस और ए के बीच में उसकी वजह से कैन नॉट भी डिटरमाइंड हो जाएगा उसी तरह से जो हमें थर्ड कंक्लूजन देखना है वो सी और एस का रिलेशन वो भी हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइंस जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं इसीलिए ये वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो होगा ओनली वन फॉलोर्स जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेकेंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें तीन कंक्लूजन्स इसमें भी हमें तीन ही कंक्लूजनस दिए हैं तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे सबसे पहले हमें z और s का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कुछ इसको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट नंबर वन है उसमें से हम y और z का रिलेशन लेके लिख सकते हैं z इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y यहाँ पे मैंने इसको z की टर्म्स में लिखा इसीलिए इनका साइन भी रिवर्स किया है ऑल्सो हम जो स्टेटमेंट नंबर टू है उसमें से y और s का रिलेशन जो है y ग्रेटर देन r इक्वल्स s वो ले लेंगे और उसको फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करके जब देखेंगे तो हमारे पास ये जो येलो हाईलाइटेड में है Z ग्रेटर देन इक्वल टू Y ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S इसके थ्रू हमें पता चल सकता है कंक्लूजन नंबर वन जो है वो हमारा ट्रू है क्योंकि जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन को कंबाइन करते हैं तो हमें ग्रेटर देन का ही साइन मिलता है लेट्स मूव ऑन सेकेंड स्टेटमेंट में हमें पी और एक्स का रिलेशन देखना है उसको भी हम वाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे क्योंकि इनके बीच का एक कॉमन लिंक जो है वो वाई ही है दोनों स्टेटमेंट्स में वाई कॉमन है तो हम इसको कुछ इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि जो पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू वाई है और हमें पता है कि एक्स जो है इट इज़ लेस देन वाई तो हम उसको वाई ग्रेटर दैन एक्स की तरह से लिख के जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि x को जब हमने y के दूसरी साइड लाया तो जो लेस देन का साइन था उसको चेंज करके ग्रेटर देन का साइन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें ये सिंगल स्टेटमेंट मिल गई तो जब हमें p और x का रिलेशन देखना है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन ये जो कॉम्बिनेशन है इसका आंसर ग्रेटर देन ही मिलता है हम जानते हैं तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन जो है सही हो जाएगा और हमें थर्ड कंक्लूजन में पी और आर का रिलेशन देखना है वो हमें सेकेंड स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा इंटायरली फर्स्ट स्टेटमेंट जो एक्स वाई जी वाली है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम देख सकते हैं जब ग्रेटर दैन इक्वल टू इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन को कम्बाइन करते हैं ये सेम ही कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट हुआ है तो हमें जो आंसर मिलता है वो ग्रेटर दैन का मिलता है बट जो थर्ड कंक्लूजन है उसमें हमें ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू दिया है तो हमारा ये जो है ये सही नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली में जो पी है वो ग्रेटर देन आर है अगर हम यहाँ से देखें तो पी ग्रेटर देन आर है इसीलिए थर्ड कंक्लूजन नहीं सही हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और सेकेंड कंक्लूजन सही आया था तो जो हमारा इसमें आंसर होगा वो आएगा ओनली वन एंड टू फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हमें फर्स्ट कंक्लूजन में एन और यू का जो कॉम्बिनेशन है वो फाइंड करना है जो कि हमें ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसमें से मिल जाएगा u ग्रेटर देन e ग्रेटर देन इक्वल टू n जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा वो होगा u इज़ ग्रेटर देन n या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं n इज़ लेस देन u लेकिन जो कंक्लूजन नंबर वन है उसमें लेस देन इज इक्वल टू दिया है इसका बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में कि कंफ्यूजन से ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर लेस देन है और यहाँ पर लेस देन इज़ इक्वल टू है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि सेकेंड जो कंक्लूजन है ना उसमें एस और ई e का रिलेशन फाइंड करना है एस और ई e का रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा तो लेट्स सी हमारा ई e जो है उसका रिलेशन हमें डी के साथ दिया है पर एस का कहीं डी के साथ लिंक दिख नहीं रहा डायरेक्टली तो हम देखेंगे ई e का रिलेशन जो है वो एन के साथ भी है जब ई e का रिलेशन एन के साथ है एन का रिलेशन टी का रिलेशन एस तो हमें इसके लिए ये दो तीन स्टेटमेंट्स कंबाइन करनी पड़ेगी तो इसको हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम देखेंगे यू ई e, और एन की जो स्टेटमेंट है उसके साथ टी को कंबाइन करेंगे कुछ इस तरह जैसे हाईलाइटेड पार्ट में आप देख सकते हैं उसके बाद टी और एस का जो रिलेशन है उसको हम कंबाइन करेंगे थोड़ा सा रिवर्स करके सो so दैट हमें एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर मिल जाए जब ये सिंगल स्टेटमेंट मिल गई तो हम देख सकते हैं टी के दोनों तरफ पे जो साइंस है वो ऑपोजिट है इसकी वजह से हम एस और ई e का जो रिलेशन है ना उसको नहीं डिफाइन कर सकते वो नॉट बी डिटर्माइंड आ जाएगा इस वजह से हमारा कंक्लूजन नंबर टू भी गलत हो जाएगा लेट्स मूव ऑन जो हमने स्टेटमेंट ऑलरेडी बना ली थी यू ई एन और टी की वहाँ पर ही हम ई e के साथ डी को कंबाइन कर देंगे स्टेटमेंट नंबर टू को यूज़ करके डी ग्रेटर दैन ई हमें गिवन है तो जब हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगी हमें जो हाइलाइटेड में मैंने लिखा है येलो कलर से जो हाइलाइटेड पार्ट है वहां से हम देख सकते हैं कि एक ही फ्लो है डी से लेकर टी तक का तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है तो हम जानते हैं हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा डी इज ग्रेटर दैन टी कंक्लूजन में हमें गिवन है वो है लेस दैन इज़ इक्वल टू का साइन अगर इसको रिवर्स करके लिख भी लेंगे तो वो बनेगा टी इज लेस दैन डी पर फिर भी हमारा जो ये है गलत आएगा हमारे इस हमारे क्वेश्चन थ्री में तीनों ही जो कंक्लूजनस हैं वो नॉट ट्रू आए इसीलिए हमें यहाँ पे जो आंसर टिक करना है वो आएगा ई ऑप्शन नन फॉलोर्स मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें तीन की जगह जो कंक्लूजन्स है वो चार है ठीक है तो इसको कैसे हमने अप्रोच करना है पहले हम देखेंगे एम और जे का रिलेशन अब हर बार हम स्टेटमेंट्स कंबाइन कर करके नहीं लिख सकते तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को समझना है कि अगर ये स्टेटमेंट हमारी गिवन है जो कि ये वाली इसी में दूसरी स्टेटमेंट का एक पार्ट उठा के कंबाइन करके लिखेंगे नहीं पर उसके ऊपर अगर हम ऐसे लिखते तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट में है ये एक ही स्टेटमेंट है मैं एक बार लिख के आपको दिखा देती हूँ बट यू डोंट रियली हैव टू राइट इट डाउन यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो साइंस है ऑपोजिट है जिसकी वजह से हमारा जे और एम का जो रिलेशन है वो नहीं डिफाइन कर सकते ये कंक्लूजन नॉट ट्रू हो जाएगा उसी तरह से कंक्लूजन नंबर टू के लिए हमें क्या करना है उसी गिवन स्टेटमेंट में ए और एल का जो है रिलेशन उसको कंबाइन करने की कोशिश करनी है हम लिखेंगे नहीं बहुत ज़्यादा बट मैंने आपको समझाना था इसीलिए मैं लिख के बता रही हूँ कि ये वाली जो गिवन स्टेटमेंट है ना इसमें एल लेस देन ए को कैसे कंबाइन करेंगे पूरी स्टेटमेंट में तो नहीं कर सकते हमें सिर्फ इस पार्ट पे कंबाइन करना है जब हमने लिख दिया जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए ठीक है इसी के साथ हम कंबाइन कर देंगे एल इज़ लेस देन ए या फिर ए इज़ ग्रेटर than एल तो हम कुछ इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं बार बार कह रही हूँ एग्ज़ाम में बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम सेव करना तो जिन भी टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको उनके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाए और आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम एग्ज़ाम में बचे ठीक है तो अभी हमने देखा कि इसको कंबाइन करके तो वी कैन सी कि जो जे और एल का रिलेशन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन की वजह से क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन तो हमारा कंक्लूजन नंबर टू जो है वो सही हो जाएगा फर्स्ट हमारा सही नहीं आया था अब हम मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन नंबर थ्री की ओर इसमें भी हमने क्या करना है जो एल लेस देन ए रिलेशन है उसको पैरेलली ए के ऊपर अगर आप रख के देखें और जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट है उस पर फोकस करें ए की दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन के साइन है अगर आप एल लेस देन ए ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई इसको एज अ वन स्टेटमेंट पढ़े ऑपोजिट तो साइंस की वजह से डी और एल का जो रिलेशन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हमारा कंक्लूजन नंबर थ्री जो है वो आ जाएगा गलत कंक्लूजन नंबर फोर के लिए हमें देखना है ई e और एम का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ एम ग्रेटर देन ए यानी कि जब हमें सेकेंड स्टेटमेंट में ए लेस देन एम दिया है उसी को रिवर्स करके मैंने लिख लिया है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक तो यहां पर जब हम इसको देखते हैं तो एम ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है अगर इसको समझने के लिए मैं आपको इसको लिख के भी बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है एंड आई थिंक सबको ही अभी तक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये एम ग्रेटर देन ई ही आएगा जिसको हम ई लेस देन एम की तरह लिख सकते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन नंबर फोर है वो भी सही आ जाएगा तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ओनली टू एंड फोर आर ट्रू हमारा ये भी सही आया था और ये दो जो हैं वो सही नहीं आए थे अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जो एक सिंगल स्टेटमेंट हमें दी है उसको डिवाइड कर लेंगे हाफ्स में और हम देख सकते हैं कि जो इसका पहला हाफ है उसमें जो डायरेक्शन है सिंबल्स की वो एक ही डायरेक्शन जा रही है ग्रेटर ग्रेटर दैन इक्वल और ग्रेटर और जो सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है जिसको मैंने नीचे करके थोड़ा सा लिखा है वहाँ पे अलग डायरेक्शन जा रही है लेस दैन इक्वल्स टू लेस दैन इक्वल्स टू और लेस इस तरह से तो हर बार हमें स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं करनी है कुछ बार हमें क्या करना होगा कि स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा हमें सबसे पहले देखना है एस और एच का रिलेशन जो कि हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट में दिया हुआ है वहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एस है वो ग्रेटर देन एच ही आएगा क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू ये जो कॉम्बिनेशन है हमें इसकी वजह से फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा सेकेंड में हमें डब्ल्यू और एच का रिलेशन देखना है जो कि हमें यहाँ से मिलेगा लेस दैन इक्वल्स और लेस दैन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है लेस दैन यहाँ से हमें मिलेगा एच लेस देन डब्ल्यू इसी को रिवर्स करके हमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है डब्ल्यू ग्रेटर देन एच इसको भी हम ट्रू मानेंगे उसी तरह से जब थर्ड कंक्लूजन देखेंगे आर इज़ लेस दैन डब्ल्यू वो भी जब हम इस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लेस दैन इक्वल्स और लेस दैन का कॉम्बिनेशन की वजह से हमें थर्ड कंक्लूजन भी ट्रू मिलेगा फोर्थ कंक्लूजन के लिए एम और टी का रिलेशन देखना है अब यहाँ अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ट्रिकी भी नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि जब एम और टी का रिलेशन हमें देखना है ये जो ऑपोजिट साइंस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के उसकी वजह से ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा इसलिए हमारा जो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली वन टू एंड थ्री आर ट्रू सिर्फ ये तीन ही कंक्लूजन ट्रू हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को अप्रोच करने के लिए हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमें एम और क्यू का रिलेशन फाइंड आउट करना है एम और क्यू के रिलेशन के लिए हम इस पार्ट पे जब फोकस करेंगे तो हम देख सकते हैं लेस दैन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साथ ही में इज इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन हमें देगा क्यू इज लेस दैन इज इक्वल टू एम जब हमें क्यू इज लेस दैन इक्वल टू एम मिल गया इसको हम एम इज़ ग्रेटर than equal टू क्यू लिख सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं एम इज़ ग्रेटर than क्यू और एम इज़ equal टू क्यू हम ये चीज़ तो जानते हैं कि ग्रेटर than equal टू का मतलब आता है एम ग्रेटर than क्यू और एम इज़ इक्वल टू टू तो हमारे ये जो दोनों कंक्लूजनस हैं ये दोनों से ही नहीं होंगे ये बात हमें याद रखनी है हमें वन एंड थ्री ट्रू नहीं लिख सकते हमें और वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है बट फाइनली आंसर चूज करने से पहले हमें बाकी के जो कंक्लूजन्स हैं उनको भी एक बार देखना पड़ेगा उनको देखने के लिए हमें देखना है डी और क्यू का रिलेशन डी और क्यू के रिलेशन के लिए ये जो साइंस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो हम नहीं डिफाइन कर सकते तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा उसी तरह से सी और डी का जो रिलेशन है वो भी ऑपोजिट साइंस की वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा तो हमारा तो हमारा फोर्थ भी गलत हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ओनली ईदर वन और थ्री इज ट्रू सी ऑप्शन है जो ओनली ईदर वन और थ्री इज ट्रू ये हमारा जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है एक स्टेटमेंट में हमें वाई एफ ओ पी इनका रिलेशन गिवन है एक अलग और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमें एफ़ यू और टी इनका रिलेशन गिवन है तो अब हम देखते हैं वाई और पी का जो रिलेशन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से निकल सकता है कि नहीं एफ के दोनों साइड पे जो साइंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट जो कंक्लूजन है हमारा गलत हो जाएगा वाई पी का रिलेशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा टी और एफ का रिलेशन वो भी डायरेक्टली सेकंड स्टेटमेंट से मिल जाएगा रेफर करके यहाँ भी हम देख रहे हैं यू के दोनों तरफ पे जो साइंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो एफ और टी टी और एफ इनका रिलेशन भी नहीं डिफाइन कर सकते सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा लेट्स मूव ऑन अब देखते हैं कि थर्ड जो कंक्लूजन है उसको कैसे अप्रोच करना है उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स कंबाइन करनी पड़ेंगी ये स्टेटमेंट्स कैसे कंबाइन होंगी कि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की उसको एज इट इज़ लिख के सेकेंड स्टेटमेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है अगर आप देखें ध्यान से एफ ग्रेटर देन इक्वल टू यू की जगह यू लेस देन इज़ इक्वल टू एफ़ और यू लेस देन टी की जगह टी ग्रेटर देन यू इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही रिवर्स करके लिख दी ताकि हम इसको कंबाइन करके लिख सकें कुछ इस तरह से और कंबाइन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ओ टी का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट साइंस की वजह से हम नहीं डिफाइन कर सकते कंक्लूजन नंबर फोर के लिए हमें फोकस करना है यू और पी पे। हम देख सकते हैं यहाँ पर जब भी सेम ही साइन रिपीट हो रहा है तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आता है यू इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू पी तो हमारा जो कंक्लूजन नंबर फोर है तो हमारा जो कंक्लूजन नंबर फोर है ये भी गलत हो जाएगा इस वजह से इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है नन इज़ ट्रू इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है इसमें भी जो स्टेटमेंट है वो हमें सिंगल स्टेटमेंट दी हुई है तो हम इसको सॉल्व करते हैं कंक्लूजन नंबर जो वन है उसमें एम और आर का रिलेशन हमें हाईलाइटेड पार्ट से दिख रहा है और जो मैंने रेड से साइंस हाईलाइट किए हैं वहाँ से हमें पता चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो एम आर का रिलेशन जो है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते कंक्लूजन नंबर वन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया सेकेंड कंक्लूजन के लिए जेड और आर का रिलेशन देखना है जो कि हमें आर लेस देन यू इज इक्वल टू जेड यहाँ से हमें दिख रहा है कि आर लेस देन जेड जो है वो रिलेशन है लेकिन सेकेंड कंक्लूजन में जो हमें रिलेशन गिवन है वो है जेड इज लेस देन इक्वल आर जो कि हमें पता है गलत है तो सेकेंड भी हमारा गलत हो जाएगा थर्ड कंक्लूजन जो है आर इज ग्रेटर देन ई तो ऑपोजिट साइंस हमें दिख रहे हैं ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें हम देख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस है एक जगह लेस देन है एक जगह ग्रेटर इक्वल टू तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है हम रिलेशनशिप नहीं डिफाइन कर सकते तो हम थर्ड कंक्लूजन को भी गलत बोलेंगे फोर्थ कंक्लूजन के लिए हमें Z और H का रिलेशन देखना है हमारे फर्स्ट थ्री कंक्लूजन जो है वो तो सही नहीं आए फोर्थ में हम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन से जब हम देखते हैं तो लेस दैन इज इक्वल टू ही मिलेगा और जब भी लेस दैन और इज इक्वल टू को कम्बाइन करते हैं लेस दैन एंड इज इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता है और इन दोनों को कम्बाइन करके हम जानते हैं कि H लेस दैन Z हमें मिल जाएगा जिसको Z ग्रेटर दैन H लिख सकते हैं तो हमारा फोर्थ कंक्लूजन जो है वो सही होगा ऑप्शन अब देख लेते हैं तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही कौन सा होगा ऑप्शन बी ओनली फोर्थ इज ट्रू तो ये हमारे आठ क्वेश्चन हो गए अब हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन जो हमारा इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं और कुछ कंक्लूजन्स हैं तो इसको देखते हैं कैसे अप्रोच किया सबसे पहले हमें y और n का रिलेशन देखना है y और n के रिलेशन के लिए हम हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे l के बेसिस पे क्योंकि वो ही इनका एक कॉमन लिंक है तो जो l ग्रेटर देन इक्वल टू y हमें गिवन था उसको मैंने यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिख के फिर कंबाइन कर लिया कुछ इस तरह y इज़ लेस देन l और l इज लेस देन इज इक्वल्स टू n सॉरी y इज लेस देन इज इक्वल टू l और l इज़ लेस देन इज इक्वल टू n तो जब भी दोनों जगह पर हमें सेम साइंस है तो हमें आंसर मिलेगा y इज लेस देन इज इक्वल टू n जिसको हम y इज लेस देन n और y इज इक्वल टू n लिख सकते हैं अब y इक्वल टू n और n इक्वल टू y कुछ भी लिख दो बात तो एक ही है तो फर्स्ट और थर्ड में तो हमें पता है कि ईदर और ही आएगा यहाँ पर ईदर और करके ही फर्स्ट और थर्ड का कंक्लूजन का आंसर बनेगा अब हम देखते हैं सेकेंड कंक्लूजन सही है या नहीं सेकेंड कंक्लूजन में हमें एम और एन का रिलेशन देखना है जो कि हम देख सकते हैं हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साइंस ठीक है अब हम देखते हैं जो फोर्थ कंक्लूजन है एम और ए का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं उसके लिए भी हमें स्टेटमेंट्स को एल जो उनका एक कॉमन लिंक है उसके थ्रू कंबाइन करके हमने जब देखा तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट मिली जिसमें ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है जब भी ऐसा होगा तो हमें पता है एम इज़ ग्रेटर दैन ए हमें मिलेगा जब हमें एम ग्रेटर दैन ए मिल गया तो हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन है वो भी सही होगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमें पता था फर्स्ट और थर्ड में तो इधर और लग रहा है और सेकेंड हमारा जो है वो सही नहीं था फोर्थ हमारा सही आया तो जो आंसर हम टिक करेंगे वो होगा ओनली फोर्थ एंड इधर वन और थ्री आर ट्रू तो आई होप आज के ये क्वेश्चंस आप सब सॉल्व कर पाए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि रीजनिंग सेक्शन की जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आज का जो ट्राइट योर सेल्फ क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट मैं लेके आई आयू ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन सो दैट और हमें दो कंक्लूजन्स दिए हैं जो कि डेफिनेटली ट्रू है तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए अगर आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी आपका आंसर आ रहा होगा ए बी सी डी या ई e, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप कमेंट्स में मेरे को बताइए और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट कोडेड इनक्वालिटीज अब हमारे बेसिक इनक्वालिटी के लेक्चर्स यहाँ पर ही खत्म होते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टेक केयर